तो चलो, अच्छा ये हमारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन से हमें डरना नहीं है। अच्छा ये एक्सरसाइज 9.2 में दिया है क्वेश्चन, तो आपको पता चल गया कि एपी के बारे में सारे क्वेश्चन एपी के होंगे। ये आपको वहां पर पता चल जाएगा और इसी पैटर्न से आप सॉल्व कर दो कि एपी का है, एपी का है, एपी के फॉर्मूले लगेंगे, राइट। लेकिन एग्जाम में ये नहीं आने वाला है कि एक्सरसाइज 9.2 से ये क्वेश्चन लिया गया, ये इससे लिया गया, नहीं ऐसे नहीं आने वाला है भाई। आप देखो ये क्वेश्चन है, राइट, वहां पर नहीं कहेगा कि जीपी में है कि ये एपी में है, आपको खुद से पहचानना है। अब एक्सरसाइज 9.2 में तो आप तो पहचान लोगे ना कि एपी में, लेकिन ये गलतफहमी कभी मत पालना कि एपी में ही हमेशा होगा। ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है कि वो कुछ भी कंडीशन दे सकता है, लेकिन वो नहीं बोलेगा ये एपी में है जीपी में, आपको चेक करना होगा। और कैसे, पहले तो हम इसका कंडीशन लिखते हैं। अभी आपको ये लेक्चर लग रहा होगा, आप सोच रहे होगे कि क्यों क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं सॉल्व करना, तो चलिए क्वेश्चन भी सीखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। ये है 1 से लेकर 2001 तक क्या हमें चाहिए, अच्छा ऑड इंटीजर्स के। अच्छा आप ये बताओ ऑड इंटीजर्स कौन होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, क्या होगा 2001। अच्छा इनका ये क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हमें भैया आप सम बता दो। ओ रे, ये तो सम इसका पूछ रहे हैं, तो इसका सम क्या होगा, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा। इसका सम ये पूछ रहे हैं एसएन, क्या पूछ रहे हैं एसएन पूछ रहे हैं। अच्छा ओके, आई एग्री विद कि ये एसएन पूछ रहे हैं, एसएन पूछ रहे हैं सम। अच्छा अब यहाँ पर सम के एपी के अलग फॉर्मूला होता है, जीपी का अलग होता है। अभी एपी में ये क्वेश्चन दिया है तो श्योर है एपी का होगा, लेकिन हम पहचानते कैसे हैं कि एपी में है कि जीपी में। अच्छा यहाँ पर हम चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और एपी एंड जीपी सबका सेम होता है फर्स्ट टर्म, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या पैदा करता है, एक तो कॉमन डिफरेंस हमें ये एपी के लिए होता है कॉमन डिफरेंस जो भी यहां से निकलेगा, एंड हमें पता करने के लिए बता रहा हूँ इसका भी फर्स्ट टर्म, यदि एपी हो, सपोज एपी हो, कैसे पहचानोगे, मैं ये बता रहा हूँ। तो ये 1 होगा, एंड ये क्या, अच्छा यहाँ कॉमन रेशियो होता है, तो यहाँ से ये कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जानते हो फिर भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा यदि ये एपी में होता तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम नेक्स्ट में से उसके पहले वाले को घटाते, जैसे 3 - 2, 5 - 3, तो इसका डिफरेंस यदि देखोगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मीन्स सेम आ रहा है सबका, है ना। तो ये तो एक्सरसाइज 2.2 में है, 9.2 में है, तो श्योर है ये एपी में है, इसलिए ये भी सेम आ रहा है। सपोज आपको नहीं पता होता तो आप फाइंड करते, यदि ये सेम नहीं आता है, डी सपोज ये सेम नहीं आता है, तो आपको अगेन चेक करना है ए इक्वल टू दिस, आर इक्वल टू चेक करना है। अच्छा आर कैसे चेक करते हैं, कॉमन रेशियो 3/1, मतलब अगले वाले से पिछले वो डिवाइड करते हैं तो 5/3। अच्छा 3/1 हो रहा है, 3/1 मीन्स 3 हो रहा है, फिर आप चेक कर रहे हो तो क्या हो रहा है 5/, फिर चेक कर रहे हो 5/3, ये 3 के इक्वल टू नहीं आ रहा रेशियो, मीन्स ये गलत है, मीन्स एपी नहीं है, ये तो पहचानने का तरीका है, राइट। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कैसे पहचानोगे। ओके तो चलो यार नेक्स्ट करते हैं ना। अच्छा सम, सम के लिए क्या हमें चाहिए होता है, सम के लिए सिंपल n/2, एपी में फॉर्मूला यही तो होता है, 2a+n-1 × d। अच्छा आप ये भी कह रहे हो ऐसा भी होता है, भैया हमने ऐसा भी देखा है, तो कोई बात नहीं। अच्छा a+l ऐसा देखा है, हाँ ऐसा देखा है ना, तो कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अच्छा ये बताओ, ये बताओ यहां पर हमें n चाहिए, सम बताने के लिए n चाहिए, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितने हैं ये तो हमें नहीं पता है ना, एंड a चाहिए, एंड क्या चाहिए, d चाहिए। अच्छा a हमारे पास 1 है, d 2 है, n ही नहीं, अब n नहीं है तो हम क्या करें, मतलब अब बैठे ऐसे नहीं, हम पहले n फाइंड करेंगे। अच्छा यहां से a, अच्छा यहां से देखोगे ये सीक्वेंस है ना एक तरह का, तो यहाँ से ए टू वन हमें पता चल गया, एंड कॉमन डिफरेंस भी हमें पता चल गया, तो ए एन के थ्रू, अच्छा ए एन या इसे एल का फॉर्मूला होता है, a+n-1 × d होता है ना। अरे बोल भाई क्या होता है, यही तो होता है, लो कोई और होता है नहीं ना, यही होता है। तो अच्छा एल, एल या ए एन लास्ट टर्म 2 दे रखा है, इसके थ्रू हम एन निकालेंगे, ए हमारे पास है n-1, टुक 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 टुक, ये हमारा डी टू है, एंड सिंपल ये 1 इसमें से जाएगा, तो 2000 एंड इक्वल टू n-1 × 2। अच्छा 2 इसका इसका क्या कर देगा, कत्ल कर देगा, तो कत्ल करने पर क्या आएगा, n-1 इक्वल टू क्या आएगा, 1000।
एंड एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 1001, यही तो आएगा। एन हमें मिल गया, अरे भैया एन तो आपको मिल गया, अब यहाँ अब डायरेक्ट आप क्या फाइंड कर दोगे, ओ भैया एस एन अब फाइंड कर देंगे जो कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। लो 10101 हमने एन का वैल्यू रख दिया, मिल गया। देखो हम तो ये कहते हैं जो क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ ना पहले उसे लिख लो, हाँ भैया ये पूछ रहा है, ए हमारे पास था, डी था, एन नहीं था, तो हमने इस फॉर्मूले से निकाला, निकालो ना इसे, चाहे रफली निकालो कैसे भी निकालो, एन हमें तो चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है एन चाहिए तभी मैं सम बता पाऊंगा। अच्छा एन भी हमने फाइंड कर रहा, अच्छा यहाँ पर टू ए, टू ए मतलब ए वन हो गया ना, तो यहाँ टू डायरेक्ट लिख देते हैं, अच्छा टू हमने लिख दिया प्लस एन माइनस, और भैया आप एन का वैल्यू रखो, ऐसा आप कहोगे तो लो मैं रख ही देता हूँ 1001 माइनस 1 एंड डी क्या टू है, ओहो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे आप छोड़ दो, ऐसा कहोगे ना तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं यहाँ से कर देता हूँ यहाँ से आगे, अच्छा टू यहाँ से कॉमन कर लोगे, टू जब कॉमन करोगे बाहर आ जाएगा तो वन प्लस, अच्छा इसमें से वन जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000 ये हो जाएगा एंड यहाँ पर नीचे टू है। अब इस टू को, टू को बहुत ध्यान से देख रहा है, देखो ये टू इस टू को बहुत ध्यान से देख रहा है, कह रहा है या तो तू मेरे को मार या मैं तेरे को मारूं, तो चलो आपस में मर गए, तो यहाँ क्या बच गया 1001 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 1001, अच्छा जी 1001 का होल स्क्वायर हो गया, अच्छा इसका आंसर आ जाएगा यही, आप होल स्क्वायर निकालोगे। अच्छा आप ये बताओ आपको समझ में आया कि नहीं, यदि ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया कोई भी पॉइंट तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा इसे समझाने का कोशिश करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, जो भी है ये आपको दिख रहा है, क्या पूछ रहा था यही पूछ रहा था। और हाँ दोस्तों आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि हमारी फैमिली कितनी हो चुकी है 11.4K+ हो चुकी है, और हमें ऐड करने की, और लोगों को हमें ऐड करना है इसमें, तो चलिए ऐसे बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।